अम्मा और बबुआ। जीना है तो ऐसे जियो जिसमें प्यार की डोर तुम्हारे हाथों में रहे। अम्मा जी इसी डोर को जिंदगी भर पकड़कर इस जीवन के पार उतरी थी। बाहर से आते ही अम्मा जी बबुआ जी ये आवाजें जब तक तार सप्तक के सातवें सुर तक नहीं पहुंच जाती तब तक उन आवाजों का कंपटीशन चलता ही रहता है। फिर दोनों हंसते अम्मा जी अपने पोते की पीठ पर हाथ फिराती मानो सारे संसार का सुख और आशीर्वाद उड़ेलना चाहती है। इस प्यार में लाल जी बबुआ जी कितने नामों से नामकरण होता था ये तो सामने खड़ा व्यक्ति बता पाता है और मुस्कुराता है। ये बबुआ कोई छोटा बच्चा नहीं बल्कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और 5 बच्चों का पिता है। अम्मा जी को सभी लोग बड़ी अम्मा कहते थे। परिवार में सबसे बड़ी जो थी उनका पोपला मुंह अपने आप चलता रहता था। बाहर से कोई नया व्यक्ति आता तो उसे लगता पता नहीं क्या बड़बड़ा रही है। सभी लोग उनके सामने जाने से घबराते थे क्योंकि उनकी आवाज इतनी दबंग थी। शायद लाउड स्पीकर का इजाद उनकी आवाज से ही हुआ होगा। आवाज ही नहीं अपनी काया से भी 6 फुट लंबी ताकतवर इतनी कि अपनी जवानी के दिनों में 1 मन का बोरा पीठ में लादकर खड़ी सीढ़ियां चढ़ जाती थी। लेकिन समय जितना बलवान और मित्र होता है उतना ही क्रूर भी। एक बार बद्रीनाथ की यात्रा में जो फिसल कर गिरी कि कमर ही टेढ़ी हो गई उसके बाद वो झुक कर ही वेत लेकर चलती थी। लेकिन टेढ़ी कमर के बावजूद चाल में जो तेजी थी वह हवा के किसी झोंके से कम नहीं था। अम्मा जी सबकी बड़ी अम्मा थी इसलिए उनका अनुशासन भी बहुत था। अनुशासन तो ठीक लेकिन उसके साथ में उनको छूत पाक की एक मानसिक बीमारी भी बहुत थी। ये छूत पाक किसी दवाई से ठीक नहीं होती ये मानसिक और कुप्रथा के रूप में था। इसमें वे अपने आप को इतना पवित्र मानती थी कि बाकी सभी लोग अशुद्ध हैं सिर्फ उनके बबुआ को छोड़कर। इस दुल्हन इस छूत पाक की बीमारी से उनके प्यारे बबुआ की दुल्हनिया बेहाल थी क्योंकि चौके में अंदर से कोई बाहर न आ सके बाहर से कोई अंदर ना जा सके जब तक वे खाना ना खा ले। और तो और चौके के बाहर चाइना की दीवार की तरह एक पतली छोटी लाइन बनी थी। पानी की एक बूंद भी बाहर से अंदर चौके में गई तो ऐसा लगता दुश्मन के देश से आग का गोला फेंका गया और उसके विरोध में वो अपना खाना छोड़ देती। अब दुल्हन बेचारी कैसे खाना खाए जब सासू माँ नाराज है। फिर क्या चाय बनती फलाहार होता। परिवार को सुखी बनाए रखने का दायित्व तो घर की स्त्री का ही तो होता है क्योंकि यह धनुष वही उठा सकती है और यह धनुष बबुआ की प्यारी दुल्हनिया के हिस्से में ही आया था। एक दिन दुल्हन बीमार पड़ी सारा दोष अम्मा जी पर पड़ा। देखो तुमने खाना नहीं खाया उसने भी नहीं खाया और देखो क्या हो गया बीपी लो हो गया हाथ पैर ठंडे पड़ गए। बड़ी अम्मा भी घबराए आपत्ति काले मर्यादा नाश बोलकर अपनी दुल्हन के पैर मलने लगे। उन्होंने कान पकड़कर माफी भी मांग ली। इसी समय तिरवाचुक यानी कि 3 बार बोलकर अब हम छूपा को ही मानेंगे बोला। उनकी आंखों में प्रेम और पश्चाताप के जो आंसू बह रहे थे उसके वेग में चीन की दीवार की तरह वह पक्की सीमेंटेड लाइन मिट्टी की छोटी सी उड़ेर की तरह घुल घुल कर बह रही थी और एक नया जीवन शुरू हो गया। वह प्रेम की धारा ही थी जो कि उनके बबुआ और दुल्हन के लिए बह रही थी और पूरे परिवार को एक प्रेम के सूत्र में बांध रही थी। संसार में सबसे मजबूत बंधन प्रेम का ही तो होता है। लकड़ी छेदने में पारंगत भौरा कमल के फूल की पंखुड़ी को छेदना पसंद नहीं करता चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। और अम्मा जी ने भी अपने प्यारे बबुआ का दिल नहीं तोड़ा। जान से प्यारे अपने छूत पाक के नियम को अपने बबुआ की खातिर तिलांजलि दी।
धन्यवाद।